हम बात कर रहे हैं IRB इंफ्रा की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको 2% तक के अपसाइड के साथ फिलहाल स्टॉक ट्रेड होता नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 67.85 पैसे पर फिलहाल ट्रेड होता नज़र आ रहा है। जब स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था, गिरावट दिखा रहा था, हमने डिस्कस किया था इस लो को तगड़े सपोर्ट के तौर पर, 64 के लेवल को तगड़ा सपोर्ट रहेगा, जब तक इसके ऊपर अपसाइड के चांस बने हुए हैं ऐसा हमने डिस्कस किया था। हम देख सकते हैं स्टॉक 65 के सपोर्ट से बाउंस बैक करके रिकवरी दिखाता नज़र आ रहा है। यहाँ से IRB इंफ्रा का हमको चार्ट पलटते खेल पलटते नज़र आ सकता है, लेकिन हमको इस वक्त थोड़ा सा इंतज़ार करके करना है और हमको नज़र रखनी है इस पर किस चीज़ की, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर स्टॉक इस लेवल से रिजेक्शन ले जाता है और इस लो को ब्रेक डाउन कर जाता है तो 64 का लेवल है, 63-64 का लेवल तगड़े सपोर्ट का काम करेगा। और स्टॉक अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर गया तो 60 तक का फॉल फिर स्टॉक दिखा सकता है, 58 से 60 तक का। हम देख सकते हैं इससे पहले स्टॉक ने 58 पर सपोर्ट लेकर तेज़ी दिखाई थी, फिर यहाँ तक का भी फॉल हमको स्टॉक दिखा सकता है। अगर स्टॉक रिकवरी दिखाता है, तेज़ी आती है, तो इमीडिएट टारगेट बनेगा ये जो इसका है जहाँ से रिजेक्शन दिखा है 70 का लेवल, इसको ब्रेकआउट करके नेक्स्ट टारगेट बनेगा 72 का लेवल इसका हाई। ये तगड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा IRB इंफ्रा को लगातार तेज़ी के लिए अपने इस हाई को यानी 72 के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट है। अगर स्टॉक बाउंस बैक करके 72 को ब्रेकआउट करके ऊपर 2-3 दिन सस्टेन हो गया तो फिर क्लियर कट अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा, फिर IRB इंफ्रा यहाँ से तेज़ी दिखा सकता है। हमको इसके आसपास फ्रेश बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करना ठीक रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस जोन है इसका, यहाँ से इससे पहले भी हम रिजेक्शन देख चुके हैं। वीडियो अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।